हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। मैंने आपको टेली की पांचवी क्लास में बताया था टेली में लेजर कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सिंगल लेजर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, टेली में लेजर टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लेजर और एक होता है मल्टीपल लेजर से। तो सिंगल लेजर में जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर का नाम है, उसका अंडर ग्रुप देने के बाद पेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमें 10, 20 या 50 लेजर से हमें बनाना हो तो सिंगल लेजर में लेजर का नाम है और उसका अंडर ग्रुप देने के बाद पेज को हमें बार बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पेज को बार बार सेव करना पड़ेगा। तो टेली में कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें हम एक बार में सभी लेजर से बना सकें, तो उसके लिए हम टेली में यूज करते हैं मल्टीपल लेजर से। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल लेजर का यूज करके हम एक बार में सभी लेजर बना सकते हैं और पेज को सिर्फ हमें एक बार ही एक्सेप्ट करना है, यानी कि सिर्फ एक बार ही सेव करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल लेजर से टेली में मल्टीपल लेजर का यूज कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स, टेली में मल्टीपल लेजर का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको टेली ओपन करने के बाद आपको एक नई कंपनी क्रिएट करना है। उसके बाद अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर्स में जाना है। जब आप यहां पर जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं टेली में लेजर टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लेजर और एक होता है मल्टीपल लेजर से। मैंने आपको सिंगल लेजर के बारे में कंप्लीट जानकारी टेली की पाँचवीं क्लास में बता रखा है। सिंगल लेजर क्या होता है और सिंगल लेजर का यूज टेली में कैसे करते हैं, अगर आपको सिंगल लेजर नहीं आता है तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सिंगल लेजर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मल्टीपल लेजर से। यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स में तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है क्रिएट का, तो क्रिएट मतलब लेजर क्रिएट करना, और डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो भी लेजर हमने बनाया हुआ है उसे देखना, और अल्टर जो दिया हुआ है कि किसी भी लेजर में अगर कोई मिस्टेक्स है या कोई भी लेजर अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए हम अल्टर वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मल्टीपल लेजर्स में लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट पे इंटर करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडर ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल लेजर में लेजर बनाते समय इस वाले ऑप्शन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप, मल्टीपल लेजर में किसी भी लेजर का अंडर ग्रुप देना हो तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें मल्टीपल लेजर में 10 सप्लायर का लेजर एक बार में क्रिएट करना है, और जब भी हम सप्लायर का लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप होता है सन्डरी क्रिएटर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अंडर ग्रुप में टाइप करना है सन्डरी क्रिएटर। तो यहाँ पर टाइप किया मैंने SUN, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सन्डरी क्रिएटर और सन्डरी डेटर, तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने सन्डरी क्रिएटर। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ लेजर में सप्लायर का नाम टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया सुरेश अकाउंट। जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, जबकि सिंगल लेजर में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइप किया मैंने राकेश अकाउंट, ये भी सप्लायर है। जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो इसका अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप किया दीपक अकाउंट, और यहाँ पे अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे टाइप किया राज स्टेशनरी, और इंटर करते ही इसका अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक आ गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस वाले ऑप्शन में अगर आपको किसी भी सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस देना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये जो सप्लायर है इससे कितने का सामान परचेज किया गया, वो अमाउंट यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। लेजर बनाने के बाद आपको यहाँ पर इंटर करके और यहाँ पर पेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर में एक साथ कितने भी सप्लायर के लेजर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं स्केप की प्रेस करके बैक आ जाता हूँ। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स है और सभी का लेजर यहाँ पर हमें एक साथ बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्रिएट पर क्लिक करके और यहाँ पे अंडर ग्रुप वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है सन्डरी डेटर से। यहाँ पर आपको नेम ऑफ लेजर में कस्टमर का नाम टाइप करना है, जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने अरविंद
अकाउंट है, और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा फ्रेंड से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंडर ग्रुप है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में इस वाले कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है इस वाले कस्टमर को हमने कितने रुपए का सामान सेल किया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस वाले कस्टमर को हमने 2500 रुपये का सामान सेल किया, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 2500 रुपये और इंटर करना है। अब यहाँ पर दूसरे कस्टमर का नाम टाइप करना है, जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने दीपक अकाउंट है, और जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक आ गया। जबकि सिंगल लेजर के अंदर लेजर का नाम टाइप करने के बाद उसका अंडर ग्रुप हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर टाइप किया मैंने मनीष अकाउंट है, और यहाँ पर इसका अंडर ऑटोमेटिक आ गया। लेजर बनाने के बाद आपको इंटर करके यहाँ पर पेज को एक्सेप्ट करना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल लेजर के अंदर जो भी हमने लेजर बनाया हुआ है ये सिर्फ एक ही कैटेगरी का है। पहले हमने बनाया था सप्लायर का, तो उसमें सिर्फ हमने सप्लायर का नाम टाइप किया था, और अभी हमने बनाया कस्टमर का जिसमें हमने कस्टमर का नाम टाइप किया। लेकिन फ्रेंड्स मल्टीपल लेजर में अगर हमें कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इन सब का लेजर एक बार में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जबकि सभी लेजर का अंडर ग्रुप अलग अलग होता है। कैपिटल अकाउंट का होता है कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट रेंट एक्सपेंस है, उसका जो अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मल्टीपल लेजर के अंदर अलग अलग अंडर ग्रुप का लेजर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करके आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको क्रिएट पे इंटर करके यहाँ पे जो दिया हुआ है अंडर ग्रुप का ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है ऑल आइटम, तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने ऑल आइटम। अब यहाँ पर आप अलग अलग अंडर ग्रुप वाले का लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग अंडर ग्रुप का लेजर कैसे बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप किया मैंने कैपिटल अकाउंट, और जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो अब यहाँ पर आपको अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टाइप करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ब्लैंक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर टाइप किया मैंने परचेज अकाउंट, जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे परचेज अकाउंट का होता है परचेज अकाउंट, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस टाइप करना हो तो बैलेंस भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने फर्नीचर अकाउंट और इंटर करके इसका जो अंडर ग्रुप होता है फिक्स असेट से, तो यहाँ पर टाइप किया मैंने फिक्स असेट से। इसी तरीके से यहाँ पर टाइप किया मैंने बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने बैंक अकाउंट है, और यहाँ पे इंटर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे टाइप किया मैंने एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, और ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे इसका जो अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर्स में अलग अलग अंडर ग्रुप वाले लेजर को आसानी से बना सकते हैं। और लेजर बनाने के बाद आपको यहाँ पे इंटर करके पेज को एक्सेप्ट करना है। याद रखना फ्रेंड्स गलती से भी यहाँ पे आप एस्केप मत करना। अगर आप एस्केप की करके बैक आ जाते हैं तो जो भी आपने मल्टीपल लेजर बनाया हुआ है ये आपका सेव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप मल्टीपल लेजर में लेजर बनाते हैं तो लास्ट में आपको पेज को एक्सेप्ट करना है, यानी कि सेव करना है। और देखिए फ्रेंड्स जब भी आप मल्टीपल लेजर में कोई भी लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिखाई नहीं देगा। मल्टीपल लेजर में लेजर बनाने के बाद अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर सिंगल लेजर में जा करके डिस्प्ले पर आपको इंटर करना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर में आसानी से लेजर बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मल्टीपल लेजर्स में यहाँ पर डिस्प्ले का यूज कैसे करते हैं, जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो लिस्ट आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जब हम लेजर बनाते हैं उसका ये अंडर ग्रुप है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज कंपनी का लेजर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि हमारी कंपनी में कितने बैंक का लेजर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे जाना है बैंक अकाउंट में। जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही लेजर बना हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको ये देखना है कि हमारी कंपनी के अंदर कितने सप्लायर है, तो यहाँ पर बैक आ करके आपको यहाँ पर सर्च करना है सन्डरी क्रेडिटर, और यहाँ पर सिलेक्ट करके और इंटर करना है। यहाँ पर अभी हमने एक भी सप्लायर का लेजर नहीं बनाया, जो हमने पहले बनाया था सप्लायर और कस्टमर का लेजर तो उस पेज को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो सभी लेजर से सेव नहीं हो पाया। तो आपने देखा फ्रेंड्स टेली में यहाँ पर लेजर्स के अंदर मल्टीपल लेजर का यूज कैसे करते हैं।
इसी तरीके से ये जो अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो जिस ग्रुप में जो भी लेजर बना हुआ है उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पर अंडर ग्रुप सेट करके और इंटर करना है। इस वाले लेजर में कोई भी मिस्टेक्स है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद पेज को आपको एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर के अंदर क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, टेली में मल्टीपल लेजर का यूज कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।